ऑल राइट गाइस, सो यार खबर डिस्कस करने में ना हंसी आती है। भाई हो क्या रहा है इंडिया में, ये सोसाइटी में हो क्या रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक लड़का था ग्रेटर नोएडा का, उसकी शादी हुई तेलंगाना में लड़की के साथ, ठीक है। तो शादी के अगले दिन ही बच्चा दे दिया। तो उससे पहले जैसे लग रहा होगा कि इनका पेट मोटा है, तो उसके घर वालों ने पूछा होगा भाई क्या अभी मोटा क्यों है पेट, तो बोला कि भाई कोई सर्जरी हुई है बेटी की, तो उस चक्कर में ये ऐसे ही है। फिर अगले दिन बच्चा दे दिया। अब देखो अभी ना इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो खबर थी, उसके बाद भी जो लीगल प्रोविजन है वो सुनना, ठीक है। सब कुछ क्लियर करेंगे आपके ना, मतलब बहुत साल बच जाएंगे और आपको एक अच्छा वो मिलेगा। तो देखो लड़के के पास क्या ऑप्शन है, लड़के के पास ऑप्शन है सेक्शन 12 में जाके वो शादी को वॉइड एबल करा सकता है। वॉइड एबल मतलब होता है उसको जीरो घोषित करा सकता है, यानी शून्य, ठीक है। तो उसमें कंडीशन ये भी कि अगर लड़की एक साल के अंदर प्रेग्नेंट है किसी और से, तो वो कोर्ट जाके लड़का वो करवा सकता है, शादी को जीरो करवा सकता है। जीरो कराने का फायदा ये होता है कि उसको बाद में मेंटेनेंस वेंटेनेंस से बच जाता है। डाइवोर्स में और वॉइड एबल में यही फर्क होता है, ठीक है। डाइवोर्स में क्या है, मेंटेनेंस से बचते नहीं है, डाइवोर्स के बाद भी मेंटेनेंस देना पड़ता है। वॉइड एबल में वो शादी खत्म हो जाती है, फिर तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। ना ही वाइफ क्लेम कर सकती डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो फलाना दिखाना। नेक्स्ट थिंग आती है, देखो यार अब क्या है ना, मतलब बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी एक रिसेंटली और दिख रहा था मैं, वीडियोज़ में लगा दूँगा आप देख लेना। उसमें क्या था, मुजफ्फरनगर की खबर थी, उसकी शादी होगी लड़की की, बाद में पता चला कि लड़की किन्नर है। मतलब लड़की नहीं पता चल पा रही यार तुम्हें, लड़का और लड़की में तुम्हें फर्क ही नहीं पता चल रहा। भाई तुम लड़की देखने जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि किन्नर है, ये लड़की है, ये क्या है। चलो उनकी भी गलती नहीं है, क्या पता उसके घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने उसको ऐसे वो करा हो कि उसको पता ही नहीं चल रहा हो। क्योंकि इंडिया में ये थोड़ी ना पहले इस्तेमाल करो, भाई जा बेटी रूम में जा देख के आओ, ये सब करके आओ, तब तुम सेटिस्फाई हो, तो करो, ऐसा तो होता नहीं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये वाला सीन तो है नहीं। तो आपके लिए सलाह क्या है, अगर आप शादी करने जा रहे हो, बॉय या गर्ल दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पहले बात ना, मेडिकल सर्टिफिकेट ले लिया करो कि भी तुम फिजिकली फिट हो या नहीं, बोथ दोनों के लिए बोल रहा हूँ, लड़की के लिए भी लड़का के लिए भी, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई प्राइवेसी का हनन तो नहीं होगा। अब यार एक बात तो, लड़की शादी करके जाएगी, बिस्तर पे लेटेगी, उसके सामने नंगी होगी, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी करेगी, वो भी तो प्राइवेसी का हनन है। तो शादी में क्या प्राइवेसी का हनन देख रहे हो तुम, शादी खुद ही एक प्राइवेसी का हनन है। भाई कोई लड़की अपने घर से किसी और के घर जाती है, उसके साथ सब कुछ करती है, वो भी तो प्राइवेसी का हनन ही है, समझ रहे हो। अगर मान के चलो कोई तुम्हें डिनाई कर रहा है कि यार हम अपना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तो फिर तुम मना कर दो भाई नहीं करने शादी। अगर तुम इतनी फेयर हो तो दो ना, ठीक है। अगर मान लो मैं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है, कोई मेरे से मांग रहा है कि अपना वो दिखाओ अपना, तो मैं दिखा दूंगा भाई ये मेरे को क्या डर, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ ना भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। तो सिमिलरली अगर तुम फिजिकली फिट हो तो दिखा दो ना मेडिकल सर्टिफिकेट, दिखा दो अपना, अपनी पूरी बॉडी की जांच करवा लो। सिमिलरली वाइफ के लिए भी, अगर वाइफ को लगता है कि हस्बैंड अनेबल टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो उसका वो करवा लो, इंपोटेंसी का चेक करवा लो। आजकल बहुत सारे टेस्ट हो ही रहे हैं दुनिया भर के, तो करवा लो, ठीक है। अब इसमें वर्जिनिटी वर्जिनिटी मतलब ना वो अलग चीज़ है, वो नहीं होती, तो करा लो ना, ठीक है। सेकंड थिंग कि यार तुम ना पहले जांच कर लिया करो, उसके अड़ोस पड़ोस कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ जांच वाँच कर लिया करो, तब आगे बढ़ा करो। क्योंकि शादी कोई एक दो दिन का खेल नहीं है नेताजी, बहुत लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है, बहुत लॉन्ग टर्म। अब देखना उस कपल का कितना टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट हुआ, उसका खर्चा हुआ यार, उन्होंने शादी करी, परफॉर्म करा, सब कुछ करा, ये सब मतलब टाइम वेस्ट हुआ। अब कोर्ट कचहरी में जाएंगे, वो सब अफोर्डेबल कराएंगे, और गुस्सा आया होगा वो अलग, फीलिंग्स खराब हुई होंगी वो अलग, ठीक है। तो इससे अच्छा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो भाई मेडिकल सर्टिफिकेट ले लिया करो, अगर वाइफ को दिक्कत है तो वो भी, और हस्बैंड को दिक्कत है तो वो भी, ठीक है। अब रही बात प्राइवेसी की, कोई हनन नहीं है। अगर कोई मना कर रहा है ना कि हम नहीं दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे, सो भैया गो जाओ, अब कोई दूसरा रिश्ता देख लो। अब तुम ये देख लो ना, कोई छुपा रहा है, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है ना भाई। तुम ठुक के बोलो ना भाई मेरे फिजिकली फिट हो, देखो सिंपल, समझ रहे हो। सो आई होप इट इज़ क्लियर, और वो वीडियो डाल दूंगा, देख लेना मुजफ्फरनगर वाली। ओके बाय। उसकी लड़की सहारनपुर से आयुषी जैन से शादी हुई थी, शादी के थोड़े दिन बाद पता चला कि वो लेडीज़ नहीं है। उसके बाद हमने केस मेडिकल करवाए सारे उसके, हैं उनके घर वालों को कहा था जाने के लिए, वो नहीं लेके गए। अब आज ही इन्होंने, इनकी लड़की ने सुबह पुलिस को बुलाकर भागने की कोशिश करी थी। और ये क्या मारा पीटा जी, मुझे बंधक रखा कमरे। इन्होंने इनने यूँ कहा कि हमने बंधक बांध रखा है और मारा पीटा है, जबकि इसको किसी चीज़ की परेशानी नहीं करी। अपनी लड़की ज़्यादा रखी है, अपनी शादी 3 महीने 4 महीने हो गए, अक्टूबर में हुई थी। हाँ धोखा ही हुआ हमारे साथ, वो लड़की नहीं है तो इससे बड़ा धोखा क्या होगा। लड़के को इतना टॉर्चर रखा है, लड़का सिर फोड़ फोड़ रखा रात को, तो उसके शरीर पर हाथ लगा दिया, जब लड़के ने जबरदस्ती हाथ लगाने की कोशिश करी तो उसको पता लगा, तो कहा अपने माँ बाप ने बता दिया मैं झार खा लूंगी, तुम्हें फंसवा दूंगी सबको। राजकुमार जैन, मैं लड़के का चाचा हूँ, मैं तुमको